हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ पिंकी। आज मैं आपको मगध के लड्डू रेसिपी बताऊंगी। मगध के लड्डू किस प्रकार बनाए जाते हैं, आप जन्माष्टमी पर बनाइएगा। लड्डू गोपाल के लिए ये मैं आधा केजी बेसन लिया है, इसको मैंने छान लिया है अच्छे से। ये देसी घी लिया है, ये 150-200 ग्राम के करीब होगा। और ये तगार ली है, शक्कर बूरा है, इसको मैंने घर पर बनाया है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके देखिएगा। और ये मैंने ये कलर जो आता है ये बूंदी में भी डलता है, लड्डू के लिए लिया है। और 4 इलायची ली हैं जिनको मैंने दरदरा कूट लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं देसी घी डालूँगी। देखिए घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये बेसन डालेंगे। इसको बिल्कुल मंदी आंच पे चलाते जाना है। देखिए मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखने लगा है, अब इसको मंदी आंच पे हमको चलाते जाना है। चिकने ना दें, आराम से चलाएं। देखिए मिक्स करने के बाद इस तरीके से दिखने लगा है। और मैंने इसमें 4 से 5 इलायची पाउडर जो है ये दरदरा कूट लिया था मैंने, इसको मिक्स कर दिया है। इसको अच्छे से भुनने तक, खुशबू आने तक इसको पकाना है। ये देखिए इस तरीके से भुनने लगा है। देखिए ऐसे बूर बूर होने लगा है, अच्छे से भूनते हैं। ये देखिए 10 मिनट चलाने के बाद ये बेसन मेरा भुन गया है, आप देख ही सकते हैं भुना हुआ अलग दिखने लगा है, घी छोड़ दिया उसने। और अब मैं इसमें ये कलर ऐड कर दूंगी। कलर को हमको लास्ट में ही डालना है और गैस को बंद कर देना है, इसको चलाते रहना है। कढ़ाई गर्म है तब तक, अब इसको अच्छे से हमको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, कलर को मिला लेना है पूरे अच्छे तरीके से। आप इस तरीके से मगध के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आपको बिना मिलावटी के बनेंगे, बाज़ार के मिलावट के आते हैं, शुद्ध सामान बनेगा। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे से। देखिए इस तरीके से चला चला के हमको इसको ठंडा कर लेना है, चलाते जाना है, ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसमें तगार मिला के हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये 5-10 मिनट में रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है, अब हम इसको बड़े बर्तन में डालेंगे। परात वगैरह, बड़ी थाली कुछ भी ले सकते हैं। फैला देंगे, थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा, लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है, अब हम इसमें बूरा डालते हैं। देखिए बूरा मैंने ले लिया है, अब इसको धीरे धीरे इसमें मिक्स करते जाना है। तरीके से गरम गरम में, हल्का गरम हो रूम टेम्परेचर पे, हम मिक्स करें। ये
तरीके से आप लड्डू बना लें किसी भी शेप में। आप इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, इसको मिक्स करके जमा दें। ये देखिए आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे, बहुत अच्छे बनेगा। पूरा ना मिलाएं, बस थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका मिलाते जाएं और बनाते जाएं। ये देखिए लड्डू कितने अच्छे बन रहे हैं। देखिए लड्डू मेरे बन करके तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं लड्डू। आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए आप इस तरीके से लड्डू बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जन्माष्टमी पे या फिर गणेश जी पे आप ये लड्डू बनाइएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू।